Gadija. चैप्टर थ्री इज ऑल अबाउट दी पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ द जॉज। इसमें क्या, इस चैप्टर में बेसिकली क्या बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के ऊपर जो इनिशियल चेंजेस और ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में बात करेगा। स्टार्ट में वो बता रहा है कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो है वो उसका एंड तक उसका वेट होता है कोई 1000 ग्राम तक, 1 किलो का होता है। लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, इतनी रैपिड हो रही होती है कि वो 1000 ग्राम से 3000 ग्राम तक कन्वर्ट हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद क्या फीचर्स हो रहे होते हैं, क्या हो रहा है कि जो हेड का साइज है वो आपने पढ़ा था कि चैप्टर टू में भी, कि हेड का साइज इज वेरी लार्ज इन दी इंट्रा यूट्राइन लाइफ, लेकिन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर वगैरह में उसका हेड का साइज जो है वो चेंज होता चला है। इन चेंजेस में दो चीजें जो इस चैप्टर में बात कर रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, एक है उसमें फॉन्टेनेलस है जो अनकैल्सिफाइड सुचर्स हैं दो बोन के दरमियान, और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं बेसिकली हेड के पैसेज फ्रॉम द बर्थ कैनाल से कि वो बच्चा जो है वो इजीली डिलीवरी पास ऑन हो सकता है। तो जब वो पास करता है तो वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है वाइल्ड पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। फिर दूसरी बात क्या, एक तो फॉन्टेनेलस थी, दूसरा है कि ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तीसरा है कि देर इज अ लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ द लोअर जॉ, क्योंकि सेफेलोकॉर्डियन ग्रेडियंट ऑफ द ग्रोथ है, सेफेलोकॉर्डियन ग्रेडियंट में द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आर गोइंग लेटर देन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यही यही जो फॉर्मूला यूज हो रहा है कि क्रेनियम वर्सेस फेस में, कि क्रेनियल पार्ट जो है, क्रेनियम जो है वो ज्यादा तेजी से पहले ग्रो कर रहा है और फेस बाद में ग्रो कर रहा है। अगर हम सिर्फ फेस की बात करें तो पहले मैक्सिला ग्रो कर रहा है और मैंडिबल बाद में ग्रो कर रहा है। सिर्फ हेड के पोर्शन में आए तो इसमें क्या हुआ कि क्रेनियम यानी कि पूरा हेड और क्रेनियल बेस प्लस मैक्सिला ये पहले ग्रो कर चुके हुए होंगे और मैंडिबल का साइज बहुत शॉर्ट या स्मॉल होगा, विच विल फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन इट मे सरप्राइज द यंग डेंटिस्ट हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि वो मैंडिबल के साइज को देख के हैरान हो रहा हो कि ये इतने स्मॉल साइज का। हाउएवर दिस इज द नॉर्मल फीचर, दिस इज द फीचर ऑफ द नॉर्मेलिटी। लेकिन उसमें क्या होता है कि पोस्ट नेटली जो है वो मैंडिबल ग्रोथ जो है वो बाकी स्ट्रक्चर से ज्यादा ग्रो करता है और वो कैचअप ग्रोथ कर लेता है। इस चैप्टर में बात बेसिकली करेंगे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द नॉर्मेलिटी जो कि सरप्राइज फाइंडिंग या दीज आर द नॉट रेड फ्लैग साइंस और वो नॉर्मल हो जाते हैं। पहला क्या है कि जैसे ही बर्थ हुई उसके बाद इस बर्थ इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमेटिक प्रोसेस। उस ट्रॉमेटिक प्रोसेस होने की वजह से जो है वो ग्रोथ इज गोइंग टू बी स्टॉप फॉर सम डेज, जैसे कि 7 to 10 days के लिए जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इसमें क्या है कि जो मिनरलाइजेशन या जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन थी एनामल की, एनामल में जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो रही थी जहां पर एनामल बन रहा था और बोन फॉर्मेशन हो रही थी, वो प्रोसेस 7 से 10 दिन के लिए स्टॉप हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्मेशन इंटरप्टेड हुई है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमेटिक प्रोसेस ऑफ द बर्थ। सो दैट्स व्हाई यू वुड बी एबल टू सी सम नोटिसेबल लाइन व्हिच आर बेसिकली द न्यू नेटल लाइन। न्यू नेटल लाइन क्या है कि बेसिकली जो लाइंस हैं ड्यू टू द डिस्टरबेंस इन द ग्रोथ रिलेटेड टू द बर्थ, ठीक है, जो आपको नजर आएंगी एनामल में वैसे नजर नहीं आ सकती, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप या उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है वो, और इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट टॉक अबाउट द इरप्शन सीक्वेंस एंड इरप्शन पैटर्न, ये हमने क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसको आप एक रिदम के साथ जा सकते हैं मैंडिबल टू मैक्सिला, और फिर इसमें अगर आप ये देखें तो जो है वो आप ये नोट कर सकते हैं कि 8 to 10, 10 to 11 एंड 11 to 13 ये एक बॉक्स बना, यानी कि मैंडिबल से स्टार्ट हुआ। मैंडिबल के अगर हम ये कहें इंसाइजस ऐसे हैं तो ये मैंडिबल के लोअर ए से स्टार्ट हुआ 8, 10, फिर मैक्सिला का लैटरल इंसाइजर 11 और मैंडिबल का लैटरल इंसाइजर 13। 8 मैंडिबल का ए, 10 अपर का ए, 11 अपर का बी, 13 लोअर का बी, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक गैप आ जाता है कि जो केनाइन जो है वो होते हैं बाद में अरप्ट, यानी कि आप ए बी और डी के दरमियान जो है वो आपको ईडेंचुरल स्पेस नजर आएगी बच्चों में, क्योंकि ये अरप्ट करते हैं 19-20 साल महीनों में और ये पहले अरप्ट कर जाते हैं, जो ए जो डी डी हैं ये पहले अरप्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट मोलर हैं वो अरप्ट कर गए 16 मंथ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो ब्लॉक बन रहा है वो है 19, 20, 27 और 29। तो ये एक बॉक्स ऐसे बना इस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन, और ये ऐसे आया, यानी कि जस्ट लाइक दिस, ठीक है। पहले बना था इस तरीके से,
अब बना ये इस तरीके से 19, 20, 27, 29, यानी 19, 20, 27, 29। 19 पे क्या मैक्सिला का केनाइन अरप्ट किया, 20 पे मैंडिबल का केनाइन अरप्ट किया, 27 पर मैंडिबल का जो है वो सेकंड ई अरप्ट किया, और 29 पर अपर का ई अरप्ट किया। तो इस आप सीक्वेंस इस रिदम के साथ ही आ सकते हैं। वैसे याद आपने ये रखना है कि जो है वो केनाइन जो है वो डी के बाद अरप्ट होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि ये 16 16 मंथ पर अरप्ट कर रहे हैं, और जो केनाइन है वो डी के बाद अरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि जो है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी न्यूट्रिशन, उनके में क्या प्री स्कूल्स ये इसमें क्या फीचर होने वाले हैं। इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं वो क्या कि अगर प्री मेच्योर बर्थ होती है या क्रॉनिक इलनेस या कोई भी अदर वेरिएबल्स हो रहे हैं तो वो कंपनसेट कर सकते हैं अगर ये जो ट्रोमेटिक प्रोसेस है ये फॉर सर्टन पीरियड ऑफ सर्टन मंथ सर्टन वीक्स के लिए है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वो नॉर्मल जो है वो ग्रोथ को कंपनसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्री मेच्योर बर्थ होता है, प्री मेच्योर बर्थ को उन्होंने डिफाइन किया था कि अगर 2500 ग्राम से कम अगर जो है उसका वेट है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या था 3000 ग्राम्स, 2500 ग्राम से कम उसका वेट अगर आ रहा है तो उसको प्री मेच्योर बर्थ है। इसमें तीन चार वैल्यूज दी हुई थी, 3000 ग्राम इज नॉर्मल, 2500 से हम उसको अंडरवेट कहा जो है, उसके बाद कह रहा है कि 1500 से यानी 1500 से कम अगर है तो उनके सर्वाइवल चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और जो लेस देन 1000 ग्राम है उनके जो है बहुत ही कम हो जाते हैं सर्वाइवल चांसेस, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर एक्सट्रीमली लो। तो उसके बाद वो क्रॉनिक इलनेस की बात करता है। क्रॉनिक इलनेस में बात यह है कि 90% ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर द डे टू डे एक्टिविटी एंड द रिमेनिंग ऑफ द 10% एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो हो क्या रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस स्टार्ट हो जाती है तो क्रॉनिक इलनेस की वजह से वो 10% ऑफ द एनर्जी विच इज गोइंग टू बी यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी क्रॉनिक इलनेस को क्योर और ठीक करने में। तो हुआ क्या कि अगर तो क्रॉनिक इलनेस होगी तो ग्रोथ आपकी टेम्परली स्टॉप हो जाएगी। अगर क्रॉनिक इलनेस हो, सेम अप्लाइज टू द अक्यूट इलनेस। अक्यूट इलनेस में क्या होगा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी वो आपकी स्टॉप हुई हुई है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम, जब तक कि वो बीमारी है तब तक जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप है। जब वो क्योर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वो मेकअप कर जाएगा। ठीक है, सेम अप्लाइज टू, अब जिसमें दो बातें और हैं, सेम अप्लाइज टू कि अगर हार्मोन का कोई मसला आ जाता है, किसी हार्मोनल डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम है तब भी वही प्रॉब्लम होगा। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ये आप नोट कर लीजिए, कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है, कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसमें मसला होगा। और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल, इमोशनल या स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी सेम यही सिचुएशन हो रही होगी। सेम अप्लाइज टू द न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो एक स्टिमुलस के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि अगर तो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक एन क्रॉनिक इलनेस। बिल्कुल क्रॉनिक इलनेस की तरह न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी काम करेगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। डेफिनेटली देखें कि अगर प्रोटीन उसको नहीं मिल रहे, सारे उसको विटामिंस नहीं मिल रहे तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हुई भी है या हेल्ड हुई भी है। उसके बाद वो जब रिपेयर हो जाएगा तो उसमें ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बात है कि जो है वो मिनरल्स वगैरह की बात की, बाकी के 300 400 लास्ट 300 और 400 ईयर्स में क्या हुआ है कि एक सेकुलर ट्रेंड देखने में आया है डाइट चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से डाइट क्योंकि इम्प्रूव हुई है तो जो है वो डाइट चेंज या न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से हाइट जो है वो 2 से 3 इंच, 2 to 3 इंचेस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। और जो सेक्सुअल मेच्योरिटी का टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 साल जो है वो कम होना शुरू हो, वो साल कम होने की वजह से, की वजह क्या है कि आपकी जो डाइट है वो डिफरेंट है, एस्ट्रोजेनिक डाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह की डाइट है, तो वो जो मैचुरेशन का जो टाइम है वो चेंज हो गया है इसकी वजह से। ठीक है, तो बाकी ये बात करते हैं कि जी अगर ये रिप्लेस होगा तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैचुरेशन पे आ जाते हैं। मैचुरेशन में जो ओरल फंक्शंस हैं वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, स्पीच, स्वॉल्विंग, मेस्टिकेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मतलब कि उसका ब्रीथ करना, और स्वॉल्विंग किस तरीके से स्वॉलो कर रहा है, च्यू किस तरीके से कर रहा है, और स्पीच किस तरह से, इधर से ओरल फंक्शंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमिन द पोस्चर ऑफ द मैंडिबल एंड द टंग, क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैंडिबल जो है वो पोस्चर करेगा और टंग के पोस्चर जो वुड बी अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट हो गए। जैसे कि जो न्यू बॉर्न है वो ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदर है। ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदर का मतलब क्या है कि उसकी ओरल कैविटी इज ऑलमोस्ट फिल्ड विद द टंग बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द मैंडिबल, सो ही और शी द न्यू बॉर्न हैज टू ब्रीथ नेजल कैविटी। और उसमें जो है वो अगर वो पैसेज क्लियर नहीं है सिक्रेशन वगैरह में, तो इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ उसको वो सक्शन वगैरह के साथ क्लियर करते हैं। जैसे जैसे ग्रो करता है मैंडिबल का साइज इंक्रीज करता है, जैसे मैंडिबल इज मूविंग डाउन एंड फॉरवर्ड, सो इट विल ब्रिंग द मूव द टंग अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फ्रेंजल वॉल एंड क्रिएट स्पेस टू ब्रीथ थ्रू द ओरल कैविटी एंड थ्रू द लेरिंग्स एज वेल। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है स्टार्ट प्रैक्टिस इन द इंट्रायूटाइन लाइफ, लेकिन क्योंकि इंट्रायूटाइन में आप वो नहीं कर सकते, इस तरीके से सॉल्विंग जो है वो भी लास्ट मंथ में स्टार्ट हो जाती है। वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो करते हैं और दीज एमनियोटिक फ्लूइड बिकम द स्टिमुलस फॉर द इम्यून सिस्टम, के वहां से वो स्टार्ट हो जाता है। मूविंग ऑन टू द सॉल्विंग, बच्चे में जो न्यू नेट में जो है वो मिल्क को सक नहीं करता बल्कि सकलिंग के साथ जो है वो मिल्क को कर रहा होता है। तो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन सकलिंग एंड सकिंग। दिस The new net just do the suckling. Suckling is basically the suckling consists of small nibbling movement of the lips, ठीक है, और this create a reflex action in the infants. तो क्या होता है कि उसमें जो tip of the tongue है जो और जो lip है वो stimulate करता है smooth muscles of the mother of the mammary gland of the mother, जिसकी वजह से जो है वो मिल्क जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है। टंग जो है वो एक ग्रूव की शॉ में बनाएगा और मिल्क जो है वो फ्लो करके पोस्टीरियर फ्रेंजल वायर और इसोफेगस तक चला जाएगा। सो दिस कंप्राइज द इन्फर्टाइल्स वाल्विंग। इन्फर्टाइल्स वाल्विंग का जो एक पैटर्न है वो इसमें है कि इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी उनके मसल्स हैं वो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग मस्कुलेचर ऑफ द लिप्स पोस्टीरियर टीथ जो है वो पोस्टीरियर जो पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी जैसे पोस्टीरियर टंग या फ्रिंजर मसल्स हैं इनका देयर वुड बी लिटिल एक्टिविटी और वो इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। टीथ जो है वो ओरल कैविटी थोड़ी सी खुली रहेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग फेरिंग्स ये वो साइलेंट होंगे, इनकी एक्टिविटी बहुत कम होगी। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग जो और जो लिप्स हैं वो स्टिमुलेट कर रहे होंगे और उनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी और ये सकलिंग रिफ्लेक्स क्रिएट कर रहा होगा। उसके बाद जैसे जैसे इन्फेंट जो है वो मैच्योर होता चला जाएगा तो उसमें और सेमी सॉलिड और सॉलिड बाइट उसमें ऐड होते चली जाएगी, तो द कम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ द टंग इज द रिक्वायरमेंट कि उसको सॉलो कर सके। तो इसमें साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग और ओरल कैविटी जो है वो मैच्योर होते जाएंगे, जिसको वो बात करते जाएंगे। इसमें क्या इसका रोल क्या होगा कि मैच्योरेशन ऑफ द ओरल फंक्शन इज करेक्टराइज बाय द ग्रेडियंट फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग और जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ द फ्रेंजल स्ट्रक्चर्स वुड बी रिक्वायर्ड और वो आहिस्ता आहिस्ता गेन करते जाते हैं। सेम अप्लाइज टू द स्पीच। स्पीच में क्या होता है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर मैच्योरेशन हो रही है, चार टाइप के उसमें साउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि बाई लेबल जैसे कि MBP ये जो है वो साउंड सबसे पहले आना शुरू कर देंगे, उसके बाद जो है वो लिंगुओडेंटल मतलब के TD जो है वो उसके बाद आ जाएंगे और जो है वो सिबिलेंट्स यानी कि SZ वाला के साउंड तीसरे नंबर पे और R जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द स्पीच है, जो कॉम्प्लेक्स तरीके से जो साउंड क्रिएट की जा सकती है वो सबसे एंड के ऊपर आएंगे। चूसना फिंगर किसी और नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग जैसे कि थम सकिंग, फिंगर सकिंग और किसी और चीज की सकिंग वगैरह, ये भी हैबिट स्टार्ट हो जाएंगी 6 मंथ टू 12 ईयर्स की एज में, ये सब प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेस्टिकेशन पे हम आते हैं, तो उसमें ये कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है तो उसमें वो कप से या चमचे से या इसमें सॉल्व करेगा, तो उसमें क्या है कि जो relatively adult size type of the solving is pretty much different as compared to the उसमें यह है कि this solving is characterized by the cessation of the lip activity, lip जो है वो relax होंगे और tongue placed against the alveolar process behind the upper incisors and posterior teeth will be brought into the occlusion while during the solving. This is a different from infantile solving. Infantile solving में इन जो तीन characteristics बताए हैं कि lip relax हैं, placement of the tongue against the alveolar process behind the central incisor और posterior part of the tongue in the occlusion, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा इन्फर्टाइल सॉल्विंग में। इसको आप एक याद कर लें तो उसमें कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये काम बात बता रहे थे कि जो है वो पैटर्न ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे, बच्चे जो है वो पहले लैटरली लेके जाते हैं फिर सेंट्रल में लेकर फिर उसको क्लोज करते हैं। जो एडल्ट या मेच्योर है उनमें च्यूइंग मूवमेंट इस तरीके से है कि वो डायरेक्ट स्ट्रेट डाउन ओपन करेंगे फिर लैटरली लेके जाएंगे और फिर उसको च्यू करेंगे।
तो ये इसका इसमें पैटर्न है। बाकी नेटल और न्यू नेटल टीथ की बात है, नेटल टीथ जो है विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और न्यू नेटल टीथ जो है जो फर्स्ट मंथ में अरप्ट कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ जो अरप्ट कर रहे हैं वो प्री मेच्योर अरप्शन है, क्योंकि जो 6 to 8 मंथ से जो है वो अरप्ट करना स्टार्ट करते हैं डिसीड्यूस टीथ। तो अगर नेटल क्या है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, न्यू नेटल जो है वो फर्स्ट मंथ में, और प्री मेच्योर जो है वो विद इन 6 मंथ अगर कोई आ रहा है तो। हाउएवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ द वेरिएशन, लगभग जो है वो 2.5 से 3 2.5 साल तक जो है वो आपके सारे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है कि जो है वो प्राइम, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ द डेंटेशन, स्पेसिंग इज नॉर्मल एज नॉर्मल फीचर ऑफ द प्राइमरी डेंटेशन। ठीक है, सारे एंटीरियर टीथ के दरमियान में जो स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ द प्राइमरी डेंटेशन। उसके बाद वो बात करता है व्हाट इज प्राइमेट स्पेस, प्राइमेट स्पेस इज व्हाट इज मीसियल टू द अपर सी एंड डिस्टल टू द लोअर सी। सो ये प्राइमेट स्पेस जो है वो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो प्राइमरी स्पेस इज बिटवीन द इनसाइजेस इन द एंटीरियर रीजन, एंड प्राइमेट स्पेस इज मेसियल टू द अपर सी इन द अपर एंड लोअर डिस्टल टू द लोअर सी इन द मैंडिबल। लेट चाइल्डहुड जो मैक्सटेंडेशन का जो एज है इसमें है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है कि इसमें जो है वो जो है वो इसकी जो न्यूरल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, और लिम्फोइड टिश्यू है वो आपको स्कैमन कर्व याद होगा तो वो टॉन्सिल्स और एडेनाइड जो है वो उनकी ग्रोथ पॉलीफेट ज्यादा हो रही होती है, और जुवेनाइल ग्रोथ स्पर्ट भी इसमें आता है जो कि मिक्स कंडीशन एज में एक माइल्ड से ग्रोथ स्पर्ट है। और बाकी इसमें क्या है कि हम इस एज ग्रुप में हम असेसमेंट ऑफ द स्केलेटल और डेवलपमेंटल एजेस की हम बात करते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। एक हम हैंड एंड रिस्ट के साथ कर सकते हैं कि जिसमें कि हम स्केलेटल एज को असेस करते हैं बाय द मैचुरेशन और डिफरेंट लेवल ऑफ मैचुरेशन ऑफ द स्केलेटल बोन्स, और सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ कर सकते हैं। इसमें वो जो काम की बात ये बताता है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज जो है वो कितने अच्छे तरीके से दूसरी चीज को बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि डेंटल एजेस जो है वो कितनी ज्यादा कोरिलेट कर रही हैं इस क्रोनोलॉजिकल एज के साथ, तो वो पता चलेगा हमें कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि हाउ नाइसली, हाउ एक्यूरेटली, हाउ साइंटिफिकली वन डेंटल एज, वन बायोलॉजिकल एज कैन डिस्क्राइब द कैन डिस्क्राइब एक्यूरेटली द अदर एज। ठीक है, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि जो मैसेज डिलीवर कर रहा है कि जो कोरिलेशन ऑफ द डेंटल एज विद द क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि कोरिलेशन ऑफ द डेंटल एज विद क्रोनोलॉजिकल एज, के डेंटल एज कितनी मैच करती है क्रोनोलॉजिकल एज से, वो 0.7 है, और इसका स्क्वायर लेते हैं यानी कि 50% ऑफ द चांस है कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपने सही गेस किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही होती है कि जो टीथ हमने अरप्ट करने थे 6 साल में वो 5.5 5.6 इसमें वेरिएशन आ रही होती है, तो वो एग्जैक्टली आप उसको नहीं बता सकते क्योंकि वो उसका इतने साथ इतनी स्ट्रांगली कोरिलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम टू द अरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ, इसकी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्री इमर्जेंट अरप्शन एंड पोस्ट इमर्जेंट अरप्शन। प्री अरप्शन इज द मूवमेंट ऑफ द टूथ और एंड इट्स अरप्टिव मूवमेंट विद इन दी एल्वियोलस, कि जब तक एल्वियोलस को उसने पेनिट्रेट नहीं किया, एल्वियोलर म्यूकोजा को उसने पेनिट्रेट नहीं किया, उसके अंदर उससे पहले की जो उसकी मूवमेंट है, दिस इज बेसिकली द प्री इमर्जेंट अरप्शन। प्री इमर्जेंट अरप्शन के जो फीचर्स हैं उसमें क्या होता है कि अटुत मूव लेबली और बकली विद इन, उसका जो फॉलिकल है टूथ का वो लेबली और लिंगुअल और बकली मूव कर रहा था। कैसे मूव करता है आपको पता है, जो डेंटल लेमिना है वो डिस्टल साइड और पीछे की तरफ होता है यानी कि लिंगुअली पड़ा हुआ होता है, तो जहां से डेंटल फॉलिकल बनना शुरू करता है तो वो डेंटल फॉलिकल बनते हुए अपने एग्जैक्ट पोजिशन के ऊपर आएगा। ठीक है, सो वो मूवमेंट जो है वो हम सिर्फ वाइटल स्टेनिंग के साथ दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल मूवमेंट हो रही होती है, एंड दिस सपोर्ट द आइडिया ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द पेरिडोन्टल लिगामेंट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द इरप्शन। सो नाउ द टू नाउ ऑनवर्ड द टू प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्री इमर्जेंट इरप्शन। वन इज द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन एंड द प्राइमरी टीथ ओवरलेइंग द क्राउन ऑफ द इरप्टिंग टूथ। ठीक है, उस क्राउन के ऊपर जो बोन और प्राइमरी डेंटिशन पड़ी हुई है उसका रिजॉर्व होना एक चीज,
दूसरा है प्रोपल्सिव मैकेनिज्म। प्रोपल्सिव मैकेनिज्म क्या है कि जो उसकी जब रूट बन रही है वो किस तरीके से प्रोपेल करके ऊपर की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक का भी मसला होता है और ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, तो आपकी अरप्शन जो है वो नहीं होगी, वो तो एल्वियोलर हाउसिंग से बाहर ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दो तरीकों से मिसाल दी। एक मिसाल है कि डिफेक्टिव बोन रिजॉर्प्शन अकर इन द म्यूटेंट स्पीसीज ऑफ द माइस। उसमें क्या हुआ कि आपकी जो देयर इज अ लैक ऑफ बोन रिजॉर्प्शन ओवर द इंसाइजर्स, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रही, प्रोपल्सिव मैकेनिज्म उसका ठीक था तो टीथ जो है वो अरप्ट नहीं किया क्योंकि पहला मैकेनिज्म आपका जो है वो स्टॉप हुआ हुआ था। इसकी दूसरी एग्जाम्पल जो ह्यूमन में देखते हैं वो क्रेडोक्रेडी डिस्प्लेसिया में देखते हैं। उसमें क्या होता है कि हैवी फाइबर जिंजिवा होता है, मल्टीपल सुपरन्यूमरी टीथ होते हैं और इनकी रिजॉर्प्शन इम्पेयर्ड होने की वजह से वो मैकेनिकली ब्लॉक हो जाते हैं, सिक्स रेनस टीथ, ठीक है, तो मैकेनिकली वो ब्लॉक है। और दूसरा आ जाता है कि अगर तो किसी का प्रोपल्सिव, ये हमने बात की पहली बात की, पहली चीज क्या थी, रिजॉर्प्शन ऑफ द ओवरलेइंग बोन एंड द प्राइमरी डेंटिशन। अगर इसमें डिफेक्ट आया क्लेडोक्रेटी डिस्प्लेसिया में या म्यूटेंट स्पेसिस में तो दूसरा प्रोसेस चलता रहा और कुछ तो अरप्ट नहीं किया। सो नाउ कम टू द सेकंड प्रोसेस जो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म का है। उसमें क्या होता है कि प्रोपल्सिव मैकेनिज्म अगर किसी तरीके से हम स्टॉप कर लें या रोक लें तो जो पहला मैकेनिज्म था जो के रिस्पॉन्सिबल था रिजॉर्प्शन एंड मूविंग अवे एंड मूविंग एंड क्लियरिंग द पाथवे फॉर द रप्चर ऑफ द टीथ इन बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन की वजह और रूट रिजॉर्प्शन की वजह से ऑफ द प्राइमरी टीथ, वो चलता रहेगा। उसमें हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके किसी एक्सपेरिमेंट में उसको आप अटैच कर देते हैं, डॉग प्रीमोलर इज वायर्ड विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, के डॉग प्रीमोलर को आपने वायर कर दिया लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, उसके बाद आपने देखा कि लार्ज सिस्टिक कैविटी अपियर हो गई उस टूथ के अराउंड या उसके आगे। वो कैसे अपियर हो गई कि आपने उसको लाइगेट कर दिया उसके साथ लोअर बॉर्डर के साथ, तो उसके ऊपर का जो प्रोसेस है वो चलता रहा और एक लार्ज सिस्टिक कैविटी बन गई ताकि उसका जो पाथवे क्लियर करना था वो। इसकी सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने प्लेट लगाई बच्चों में फ्रैक्चर की वजह से, तो फ्रैक्चर प्लेट की वजह से अगर स्क्रू लग गया टूथ बर्ड के अंदर तो उसने उसको स्टॉप और होल्ड करके रख लिया, बाकी जो सिस्टिक कैविटी है जो रिजॉर्प्शन एंड क्लियरेंस ऑफ द बोन एंड प्राइमरी रूट है वो प्रोसेस चलता रहेगा, सिर्फ आपका ये स्टॉप हो गया। इसकी तीसरी एग्जाम्पल, दो उन्होंने बातें की हैं प्रोपल्सिव मैकेनिज्म स्टॉप, एक डॉग का प्रीमोलर को वायर के लोअर पार्ट ऑफ द मैंडिबल के साथ, दूसरे ने बात की कि अगर आपने प्लेट लगाई और प्लेट का स्क्रू जो है वो किसी प्रीमोलर के उसके साथ अटैच हो गया तो वो उसको स्टॉप कर लेगा, ठीक है। तो अब तीसरी उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने एग्जांपल दी है प्राइमरी फिलर इरप्शन। प्राइमरी फिलर इरप्शन इज बेसिकली सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो फर्स्ट इन्वॉल्व टूथ है जो आपका डिस्टल साइड पर फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फाइव इन्वॉल्व हुआ है तो फाइव के डिस्टल जितने भी टूथ पड़े हुए होंगे वो सब के सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसका क्या फीचर है कि देर वुड बी अ पोस्टीरियर ओपन बाइट। पोस्टीरियर ओपन बाइट कैसे आएगी, क्योंकि अरप्शन ही सही तरीके से नहीं हो पा रही तो पोस्टीरियर ओपन बाइट आई हुई होगी। और इसका जो जीन इन्वॉल्व है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर वन जीन। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंक्शन क्वेश्चन, कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर वन जीन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स मोर ऑफ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। इसको आप बहुत मुश्किल से डायग्नोज कर पाते हैं एंकलोसिस के साथ, उनके पता नहीं चलता। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो फर्स्ट इन्वॉल्व पोस्टीरियर टीथ है, एक तो पोस्टीरियर टीथ को मोस्टली इन्वॉल्व करता है, दूसरा ये मोस्ट ऑफ द टाइम बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। तो फर्स्ट इन्वॉल्व टूथ है उसके डिस्टल जितने सारे टीथ हैं वो सब के साथ इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिक्स को इंगेज इन्वॉल्व हुआ है तो सिक्स सेवन एट सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर फोर इन्वॉल्व हुआ है, फोर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट सब के सब में इसमें मसला आ रहा होगा। जब पोस्टीरियर टीथ अरप्ट नहीं कर पा रहे और इसमें जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है प्रोपल्सिव मैकेनिज्म में, जो दो प्रोसेस जो थे, पहला था रिजॉर्प्शन ऑफ द ओवरलाइंग बोन एंड रूट्स, दूसरा था प्रोपल्सिव मैकेनिज्म। प्राइमरी फेलियर अरप्शन इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोपल्सिव मैकेनिज्म व्हिच इज कॉज्ड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर वन जीन। इसका क्या फीचर है कि बायलैटरल होगा, फर्स्ट इन्वॉल्व टूथ के डिस्टल टूथ हैं सारे इन्वॉल्व हो गए, पोस्टीरियर ओपन बाइट होगी, बाकी ये एंकलोसिस के साथ इसके फीचर बहुत मैच कर रहा होता है किसी टूथ में। अगर आप इसको पकड़ के खींचेंगे ऑर्थोडोंटिकली मूव करने की कोशिश करें तो ये टूथ जो है ये एंकलोज कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी आपके इसमें डिस्कस नहीं कर रही, हम इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो पता ये चला इसमें कि प्री इमर्जेंट इरप्शन इज द मूवमेंट ऑफ द फॉलिकल विद इन द एल्वियोलर हाउसिंग, और ये दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिजॉर्प्शन ऑफ द ओवरलेइंग बोन एंड प्राइमरी टीथ और प्रोपल्सिव मैकेनिज्म। इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल सेपरेटली काम कर रहे होते हैं, इनमें किसी एक में भी मसला होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोपल्सिव मैकेनिज्म का मसला है तो लार्ज सिस्टिक कैविटी वो अपना प्रोसेस चलता रहेगा, उसके ऊपर से
कैविटी बन जाएगी। और अगर वाइस वर्सा जिस तरह जस्ट लाइक लिडोक्राइन डिस्प्लेजिया में अगर आपकी हैवी फाइबर्स जिंजिवा है, सुपरन्यूमरी टीथ है, मैकेनिकली ब्लॉक हुआ हुआ है, तो वो पे आप डायलेसेशन वाली साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो है वो इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। मूविंग ऑन, ये बेसिकली दिस इज अ रिव्यू क्लास, मैं आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कराना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रिसाइज मैकेनिज्म फॉर द प्रोपल्सिव मैकेनिज्म, कि वो कैसे अरप्ट कर रहा होता है प्री इमर्जेंट इरप्शन में। चार चार से पांच आपके बुक में उन्होंने बातें की हैं। एक है क्रॉस लिंकिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स जो है वो क्रॉस लिंक कर रहे होते हैं, वो मैच्योर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमने क्लास में भी बात की थी कि वो पुल कर रहे होते हैं द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द पेरोडोंटल लिगामेंट, इनकी मैचुरेशन और इसकी पुलिंग की वजह से वो जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। बाकी जो मैकेनिज्म है वो प्री इमर्जेंट इंटरप्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बिसाइड द कोलेजन मैचुरेशन आर द लोकलाइज्ड वेरिएशन इन द ब्लड प्रेशर और फ्लो फोर्स्ड ड्राइव फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड अल्ट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द पेरोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। इसको आप मेमोनिक्स ऐसे याद करते हैं, ए बी सी, ए फॉर अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन क्या था, अल्ट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द पेरोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। और जो बी फॉर ब्लड, लोकलाइज वेरिएशन इन द ब्लड फ्लो और प्रेशर, एंड सी फॉर कोलेजन, सी फॉर कोलेजन, एक तो कोलेजन के मैचुरेशन और दूसरा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। क्विकली रिवाइज करते हैं, देयर फोर मैकेनिज्म फॉर द प्री इमर्जेंट इरप्शन और प्रोपेल करने में। एक है मैचुरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर इन द पेरोडोंटल लिगामेंट, उसके बाद है ए बी सी, ए फॉर अल्ट्रेशन इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द पेरोडोंटल लिगामेंट, बी फॉर ब्लड जो लोकलाइज्ड वेरिएशन इन द ब्लड फ्लो, एंड सी फॉर कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन पे आ जाए, तो पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन का मतलब क्या है कि टूथ ने जो है वो गम को पेनिट्रेट कर दिया, पेनिट्रेट करने के बाद वो अक्लूजल लेवल तक आने तक का जो डिस्टेंस है उसको कह रहे हैं वो इरप्शन आफ्टर पियर्सिंग दी ओरल म्यूकोजा, उससे लेके अक्लूजल प्लेन तक आने तक का जो इरप्शन है दिस इज कॉल्ड पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन। इस पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन में आपको पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट आपको मिलेगी कि जैसे ही वो अरप्ट करते हैं वो बड़ी तेजी के साथ जो है पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट का नाम दिया गया है। पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द जुवेनाइल अक्लूजल इक्विलिब्रियम। हम जुवेनाइल अक्लूजल इक्विलिब्रियम में भी बात करते हैं। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जो किसी इसकी इरप्शन में ना आपको एक रिदम मिलेगा, सर्कैडियन रिदम। इस रिदम का क्या है कि रात में जो है वो तेजी के साथ इसकी पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन होती है। रात में क्यों होते हैं, एक तो च्यूइंग एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हुई होती है, बाकी ये कि ब्लड फ्लो जो है वो एपिकल एरिया में ज्यादा होगा, तीसरा ये कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो साइकिल्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन के जो रिलीज का जो साइकिल है वो आपको पता है कि वो 8 PM और 1 PM के दरमियान होता है। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज की वजह से अपोजिंग फोर्सेस फूड कॉन्टेक्ट